हेलो गाइस, मैं विनयकांत। आज हम लोग जो खाने पीने की चीज़ें होती हैं, हम लोग उसमें टेस्ट करेंगे शुगर होता है या नहीं होता है। ठीक है, यानी कि हाउ टू डिटरमाइन द प्रेजेंस ऑफ शुगर इन फूड। तो इसके लिए आप कोई भी खाने पीने की सामान ले सकते हो, जैसे कि मिल्क ले सकते हो, पोटैटो ले सकते हो। तो हमने लिया है आज अंगूर। अब अंगूर को करेंगे क्या, सबसे पहले इसको हम क्रश करेंगे, यानी इसका जूस निकालेंगे। और जूस निकालने के बाद उसमें हम सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन हम डालेंगे। और उसके बाद इसमें स्मॉल अमाउंट में हम ऐड करेंगे कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ऐड करेंगे। और इसके बाद इसको हमें थोड़ा सा गर्म करना पड़ेगा। और गर्म करने के बाद जो भी रिएक्शन होगी उसको हम ऑब्जर्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और इसको समझने के लिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। एक ख़ास बात, आप जब भी इस प्रैक्टिकल को करेंगे, आप अपने टीचर के गाइडेंस में करेंगे, जिससे कि आपके जो शरीर को कोई भी जो केमिकल है उससे कोई खतरा ना हो सके। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसको हम सबसे पहले क्रश करेंगे अच्छे से। इसका हमें जूस निकालना है। आप जैसे हमने अंगूर लिया है, अंगूर की जगह पे आप ले सकते हैं जैसे पोटैटो हो गया, मिल्क हो गया, यानी जिसमें कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, जैसे जिसमें ग्लूकोज पाया जाए, जिसमें फ्रक्टोज पाया जाए, वो खाने पीने की चीज़ें हम ले सकते हैं। ठीक है, जैसा आप लोग देख रहे हैं ये पूरा क्रश हो चुका है। अब इसमें जो जूस निकला है इसको हम दूसरे बीकर में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। ये पूरी तरीके से इसमें ट्रांसफ़र हो चुका है। अब हम इसमें स्मॉल अमाउंट में सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH को हम ऐड करेंगे। ये सोल्यूशन इसका है, इस सोल्यूशन को इसमें हम ऐड करेंगे। इसको ऐड करने के बाद इसमें हम कॉपर सल्फेट सोल्यूशन जो ब्लू कलर का है इसको हम ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद इसको हम शेक करेंगे। इसमें हम सोडियम हाइड्रोक्साइड और कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ऐड कर चुके हैं। अब देखिए इसमें जो केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व्ड होती हैं वो कौन सी होती हैं। तो इसमें जो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है वो कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन करता है, और रिएक्शन करने के बाद कॉपर हाइड्रोक्साइड बनाता है। इसमें जो कॉपर हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है वो कॉपर हाइड्रोक्साइड क्या करता है, जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज आप लोगों को पता होगा कि ग्लूकोज जो होता है एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है, तो क्या करता है, कॉपर हाइड्रोक्साइड को जो ग्लूकोज होता है वो रिड्यूस करके जो है क्यूप्रस ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसको थोड़ा सा हम गर्म करेंगे और इसमें ये इसका देखेंगे कलर चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम आइए गर्म करके देखते हैं। देखिए किस तरीके से इसका जो कलर है वो चेंज हो रहा है, और ये भी गर्म होते होते ये इसका जो कलर है वो ऑरेंज हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि जिसमें जो ग्लूकोज था ग्रेप्स में, वो जो है उसने जो हमारे पास कॉपर हाइड्रोक्साइड था वो उसको कन्वर्ट कर दिया किसमें, क्यूप्रस ऑक्साइड में। ठीक है, क्यूप्रस ऑक्साइड में वो कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, तो आप लोग देखिए ये अच्छे से इसका जो कलर है वो ट्रू ऑरेंज हो चुका है। पहले ये लाइट ब्लू कलर का था और ये पूरी तरीके से ऑरेंज कलर में चेंज हो चुका है। इससे ये सिद्ध होता है, इस प्रैक्टिकल से सिद्ध होता है कि जो ग्रेप्स था उसमें शुगर था। क्यों? क्योंकि जो लाइट ब्लू से इसका जो कलर है वो ऑरेंज में चेंज हो चुका है।